नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। कोरोना वायरस का खतरा देश में और राज्य में लगातार बढ़ता जा रहा है और लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि आप घरों से ना निकलें और सरकार एहतियातन कदम उठा रही है। कई जरूरी फैसले सरकार की ओर से लिए गए हैं, चाहे वो केंद्र सरकार के स्तर से लिए गए हों या फिर राज्य सरकार के स्तर से लिए गए हों। इस बीच कई खबरें ऐसी आ रही हैं कि जो चिंताएं बढ़ाने वाली है। पटना में कोरोना वायरस के दो और मरीज मिले हैं, जिन दो लोगों में कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया है। और इसके साथ ही पटना में, बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 9 हो गई है, 7 से। पटना के राजेंद्र मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी RMRI की जांच में इस बात की पुष्टि की गई है और दोनों ही मरीज फिलहाल NMCH में भर्ती हैं। दोनों ही पुरुष हैं और उनमें से एक पटना के जगतपुरा स्थित उसी सरनम अस्पताल के कर्मी हैं जहां मुंगेर के कोरोना पॉजिटिव युवक का डायलिसिस हुआ था। जानते हैं कतर से लौटने वाले सैफ की मौत हुई थी पटना के एम्स में, कोरोना की वजह से दम तोड़ा था सैफ ने। और उसके बाद पटना के जो अस्पताल हैं सरनम अस्पताल, उसमें इस व्यक्ति का डायलिसिस भी हुआ था। तो जो कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं वो इसी अस्पताल से ताल्लुक रखते हैं। किडनी पेशेंट था सैफ, जिसकी मौत कोरोना से हुई थी और पटना के इस अस्पताल में डायलिसिस हुआ था। तो चिंताएं बढ़ गई हैं, आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, 7 से 9 हो गया है बिहार में कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या। और जाहिर है ये बेहद कह सकते हैं बुरी खबर है और चिंता बढ़ाने वाली खबर है। हालांकि लॉकडाउन है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार लगातार सख्त से सख्त फैसले ले रही है, लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जा रहा है और लगातार ये कोशिश है कि इस खतरे को कम किया जाए, इस खतरे को खत्म किया जाए, या फिर जैसा कि इस कोरोना वायरस की प्रकृति है संक्रमण, और ये संक्रमण तेजी से फैलता है, इसको तेजी से फैलने से रोका जाए, आंकड़ों में बेतहाशा वृद्धि होने से रोका जाए। तो कम से कम सरकार उस दिशा में अभी सफल नजर आ रही है। बिल्कुल अच्छी बात यह है कि आंकड़ा उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी आंकड़े अगर बढ़ेंगे कोरोना वायरस के तो जाहिर है चिंताएं बढ़ेंगी। और अब बड़ी खबर आ गई है कि दो और लोगों में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है और बिहार में आंकड़ा बढ़ गया है, 7 से 9 हो गया है। इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।